स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास विद मी संगीता खटकर. स्टूडेंट्स, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी रोमन नंबर्स. आज के इस वीडियो में हम रोमन नंबर्स पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको रोमन नंबर्स उनके रूल्स के साथ बताने वाली हूँ. सो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रोमन नंबर बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ में. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ. आपके सामने स्क्रीन पे क्लॉक और वॉच दिखाई दे रही है. इनमें जो टाइमिंग बताया है वो रोमन नंबर्स में बताया हुआ है. अब हम रोमन नंबर्स टाइमिंग देख के हम लोगों को एक हैबिट हो जाती है, तो हम इजीली 12 तक के डिजिट तो पहचान लेते हैं कि रोमन नंबर्स में, लेकिन उसके आगे की डिजिट हमें कैसे बनानी है, या फिर ये 12 तक के रोमन नंबर्स हिंदू अरबिक से रोमन में कैसे लिखे गए हैं, उनको लिखने के पीछे कौन से रूल हैं, वो तो हमें स्टडी करना ही पड़ेगा. तो आइए चलते हैं. देखो, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स यूज्ड इन द रोमन न्यूमरेशन सिस्टम. यहाँ पर रोमन न्यूमरेशन सिस्टम में 7 बेसिक सिंबल्स है, मींस 7 इंग्लिश अल्फाबेट का यूज किया गया है. हमारे एनिशियंट टाइम में रोमन नंबर्स लिखने के लिए इनको वो लोग यूज करते थे, लाइक आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम. ये 7 बेसिक सिंबल्स हैं. अब इन 7 बेसिक सिंबल्स की ही वैल्यू हमें बताई गई है. I stands for 1, value of V is 5, value of X is 10, value of L is 50, value of C is 100 and value of D is 500 and value of M is 1000. It means हमें अगर इन 7 सिंबल्स की वैल्यू अच्छे से लर्न करनी है और उसके बाद में हम रोमन नंबर बनाएंगे. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम. रोमन सिस्टम में जीरो नहीं होता है. लाइक हमने हिंदू अरेबिक में हम 10 लिखते हैं, बट रोमन जो न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें हम 10, 50 ये सब नहीं लिख के ओनली हम इनके सिंबल्स यूज करते हैं, लाइक एक्स, एल, सी, डी, एम. यहाँ जीरो नहीं लिखा जाता है. अब ये तो हमने देख ली कि 7 सिंबल कौन कौन से हैं और इनकी वैल्यू क्या है. अब इनकी वैल्यू को लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, और वो ट्रिक कैसे है कि सबसे पहले हमने देखा आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वैल्यू ऑफ एल इज 50, वैल्यू ऑफ सी इज 100, वैल्यू ऑफ डी इज 500 एंड वैल्यू ऑफ एम इज 1000. मीन्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. तो इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक ट्रिक के थ्रू लर्न करते हैं. हमने क्या लिखा, आई वैल्यू जाइलोफोन लाइक काउज डू मिल्क. आई वैल्यू जाइलोफोन लाइक काउज डू मिल्क. बस हमें ये सिंगल लाइन जो है ना वो लर्न करनी है, और इनकी वैल्यू हमें पता ही चल जाएगा, 1, 5, 10, ठीक है, 50, 100, 500 और 1000. ये तो वैल्यू हमें लर्न करनी है. Then I value xylophones like cows do milk. ये छोटा सा हमारा ट्रिक है. But अब हमने रोमन नंबर के सिंबल 7 बेसिक सिंबल हैं, वो भी हमने पता कर लिए और उनकी वैल्यू भी. लेकिन अब हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें इनके रूल्स देखने पड़ेंगे. So there are 3 rules for writing the Roman numerals. First rule is rule of repetition. Means इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी डिजिट को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, किस डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है. सेकेंड इज रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. एंड रूल ऑफ एडिशन, 3 रूल हमें जो है वो फॉलो इसमें करने होते हैं, उसके बाद में हम कोई भी रोमन नंबर इजीली बना सकते हैं. इसीलिए मैं दोबारा से आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखें. रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स में रूल नंबर 1 आता है, रूल ऑफ रिपीटेशन. उसमें देखो, रोमन सिंबल्स आई, एक्स, सी, एम कैनॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. मीन्स जो सिंबल है हमारे आई, एक्स, सी, एम, हम इनको रिपीट
नहीं कर सकते थ्री टाइम्स से ज्यादा. वी कांट रिपीट दी सिंबल मोर देन थ्री टाइम्स. तीन बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. देखो इसको ऐसे समझते हैं, लाइक हमने अगर टू टाइम आई लिखा है मीन्स सिंगल आई की वैल्यू वन, टू टाइम है तो वन प्लस वन इक्वल्स टू टू. सेम ट्रिपल टाइम हमने अगर आई लिखा है इट मीन्स वन प्लस वन प्लस वन, वैल्यू हो गई ट्रिपल आई की थ्री. बट हम थ्री टाइम्स से ज्यादा इनको रिपीट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल, तो इसीलिए हम फोर टाइम आई नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सेम ऐसे ही हमने नेक्स्ट डिजिट पढ़ी एक्स. एक्स को अगर हमने टू टाइम लिखा इट मीन्स टेन प्लस टेन इक्वल्स टू ट्वेंटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी. सेम सी और एम सिंबल के साथ में भी हम करते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि हम इनको मोर देन थ्री टाइम्स रिपीट नहीं करना है. थ्री टाइम्स तक हम इनको रिपीट कर सकते हैं, मोर देन थ्री टाइम्स नहीं कर सकते हैं. आई रिपीट इट अगेन कि व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस. अभी हमने देखा कि हम सिंबल्स को रिपीट करते हैं, तो रिपीट जब हम करते हैं तो हमने क्या देखा था कि उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है टू और थ्री रेस्पेक्टिवली. अभी हमने m के बारे में स्टडी किया था, तो द वैल्यू ऑफ m इज 1000. अगर हमने टू टाइम m लिखा है इट मींस हमने उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया है टू से, मींस 1000 इनटू 2 इक्वल्स टू 2000. एंड अगर m थ्री टाइम्स है इट मींस तीन बार हो गया है, तीन से मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 इनटू 3 इक्वल्स टू 3000. मींस हम जिस सिंबल को टू टाइम अगर रिपीट करते हैं तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम थ्री टाइम रिपीट करते हैं तो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हम मोर देन थ्री टाइम इसको रिपीट नहीं करते हैं. देन सिंबल आई एक्स सी एम एंड एम कैन बी रिपीटेड थ्री टाइम्स एट मैक्सिमम. अभी हमने पढ़ा ना कि मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट होता है, मीन्स आई सिंगल टाइम लिखा मतलब वन, टू टाइम्स मीन्स आई की वैल्यू टू, थ्री टाइम्स लिखा आई की वैल्यू थ्री, एंड फोर टाइम हम नहीं लिखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमें वन कैसा लिखना होगा, अगर हम हिंदू अरेबिक में वन लिखा है उसको हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है तो हम लिखेंगे सिंगल टाइम आई, अगर हमें टू लिखना है तो हम टू टाइम आई लिखेंगे, अगर हमें थ्री लिखना है तो हम थ्री टाइम आई लिखेंगे. अब हमें फोर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए तो हमें अगला रूल पढ़ना पड़ेगा ना. देन रूल ऑफ रिपीटेशन में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सिंबल है वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, ये सिंबल्स कभी रिपीट ही नहीं होते हैं. सिंबल्स फोर फाइव फिफ्टी एंड 500 कांट बी रिपीटेड, ये सिंबल्स कभी रिपीट नहीं होते हैं. कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें हिंदू अरेबिक में 10 लिखना है, अगर हमें उसको रोमन न्यूमेरल्स में चेंज करना हो तो हम टू टाइम्स वी नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज 10 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है एंड दैट इज एक्स. सिंबल एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो हम वी को रिपीट नहीं करेंगे. 10 इक्वल्स टू एक्स. ओके, द रोमन सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर बी रिपीटेड, लाइक हम टू टाइम वी नहीं लिखेंगे, ट्रिपल टाइम एल नहीं लिखेंगे, डी डी वी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी भी रिपीट नहीं होता है. ये चीज मैंने आपको रिपीट करके बताई है, सो इसको आप बहुत ध्यान से देखें. अब नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर टू, एंड रूल नंबर टू इज हमारा रूल ऑफ subtraction. If a Roman symbol of smaller value is placed before another symbol of greater value, then the value of resulting numeral is equal to their difference. Means, अगर Roman symbol जो है, जो कि जिसकी smaller value है और वो greater value वाले symbol के left की तरफ है, तो यहाँ पे बताया है कि जो resulting numeral हमारे पास में आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो उसके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी, मींस हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे. एग्जांपल आई वी, इट मींस आई इज द स्मॉलर वैल्यू सिंबल एंड वी इज द ग्रेटर वैल्यू सिंबल. अगर ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू आया है, मींस वन आई की वैल्यू और वी की वैल्यू फाइव, तो हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे, मींस फाइव माइनस वन इक्वल्स टू फोर.
same thing is here. Ix means I means 1 and x means 10. So 10 minus 1 equals to 9. तो हम इसको इस तरह से करते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग. अब अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था स्मॉलर वैल्यू एंड ग्रेटर वैल्यू. तो हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉलर वैल्यू हमें वैल्यूज पे जाना है, सिंबल्स की वैल्यूज देखनी है. तो x की वैल्यू कितनी 10, i की वैल्यू कितनी 1. तो मतलब x से जस्ट पहले है लेफ्ट साइड में. इसमें हमेशा देखना है कि अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो i क्या हो गया हमारा स्मॉलर वैल्यू मींस 1 वैल्यू है और x की वैल्यू है 10. तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. देखो यहाँ पे इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, कि अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हायर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में होता है तो वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू. तो हम स्मॉलर वैल्यू को हायर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक एक्स सी. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 100. देन x means 100 minus 10 equals to 90. तो ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर higher value के left में smaller value आता है तो हमेशा subtract होता है. Rule of subtraction में अब हम देखते हैं next thing कि i, x and c are used to subtract. कि हम subtract करने के लिए कौन कौन सा symbol use करते हैं. तो देखो i, x और c को हम subtract करने के लिए use करते हैं. There are six combinations इसके हैं हमारे पास में. Like 4 हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे. 4 के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हम repetition के rule में पढ़ रहे थे कि हम i को triple time लिखते हैं तो हमारा 3 हो जाता है. लेकिन i को हम 4 time लिखते हैं तो repetition के rule के according हम उसको 4 time नहीं लिख सकते. Then 4 हम कैसे लिखेंगे क्योंकि 4 के लिए तो कोई symbol ही नहीं है हमारे पास में. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट सिंबल हमारा v था एंड सब्ट्रैक्शन के रूल में हमने पढ़ा कि अगर हम हायर वैल्यू के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो उसका डिफरेंस निकलता है. तो v के अगर अपन लेफ्ट साइड में i मींस i v हम लिखते हैं मींस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. सेम i x मींस 10 माइनस 1 9. सेम x l द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड वैल्यू ऑफ l इज 50. तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40. Same xc. Here value of c is 100 and value of x is 10. 100 minus 10 equals to 90. cd. Value of c is 100 and value of d is 500. So 500 minus 100 equals to 400. Same cm. Value of m is 1000 and value of c is 100. 1000 minus 100 equals to 900. इस तरह से six basic combinations जो हैं उनको हमने यहाँ पे discuss किया है. हमें क्या ध्यान रखना है कि i, x और c है उनको हम subtraction के लिए use करते हैं. Symbol v, l and d are never written to the left. Means जो symbol है V, L और D उनको हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं. मीन्स हम V, L नहीं लिखते हैं, I, C हम नहीं लिखते हैं. मीन्स V, L क्या है, L का मतलब क्या होती है, L की वैल्यू होती है 50 और अगर हमें V पहले लिखा है तो मीन्स 45 हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू ये सिंबल के. लेकिन ये रॉन्ग होगा. उसी तरह से हम I और C भी नहीं लिखते हैं. I मतलब 1 और C मतलब होता है 100. तो हमें अगर 99 लिखना हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे. इसको हम कैसे लिखेंगे ये हम आगे देखेंगे क्योंकि इसके लिए भी हमें एक नया रूल जानना होगा. ओके, तो हमें अगर 40 लिखना है तो हमने लिखा x और l मीन्स 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40. और अगर हमें 4 लिखना है तो हमने लिखा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. ये तो हमने सीख लिया. लेकिन जो चीज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इसके लिए हमें नेक्स्ट रूल को जानने की जरूरत है, वो हम आगे देखते हैं. द सिंबल v, l एंड d कैनॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर. जो सिंबल है v, l और d हम इनको किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. मीन्स
अभी मैंने आपको बताया हमें अगर 95 लिखना है तो हम 100 माइनस 5 नहीं करेंगे, मींस हम VC नहीं लिखेंगे क्योंकि V को हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। देन हमें अगर 95 लिखना हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो देखो 95 अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले हमें 90 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? XC मीन्स 100 माइनस 10 तो हो गया 90, देन हमने लगाया V 5 तो हो गया 90 प्लस 5 95। तो हम इस तरह से लिखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन का, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग देखो यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट वन नंबर, हम एक बार में एक ही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे वो अभी हम देखते हैं कि अगर हमने 4 लिखना है तो हमने आई भी लिखा, मतलब एक ही डिजिट लिखा। लेफ्ट साइड में हम टू सिंबल्स नहीं लिखते हैं। सेकेंड है कि द स्मॉलर मीन्स जो सब्ट्रैक्टेड लेटर है मस्ट बी इधर 1/5 और 1/10 द लार्जर वन। अभी मैंने बोला ना कि 99 या 49 लिखना हो तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने कहा था ना 99 लिखना हो तो हम IC नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो स्मॉलर या जो लेटर है वो इधर वन या तो 1/5 होना चाहिए या 1/10 होना चाहिए। लार्जर वन का, लार्जर जो वैल्यू सिंबल है उसका या तो 1/5 पार्ट होना चाहिए या फिर 1/10 पार्ट होना चाहिए, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट अ पावर ऑफ 10 एंड ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट टू हायर डिजिट वे द डिजिट आर IVXLCDM। मीन्स हम केवल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो पावर है उनकी 10 से। ठीक है, 1/5 या 1/10 पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम बता रहे हैं एंड ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट टू हायर डिजिट, या फिर हम नेक्स्ट टू हायर डिजिट से उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब डिजिट हमारी IVXLCD और M होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं इसके पॉइंट से कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V एंड X। टू हायर डिजिट बताई है तो I की टू हायर डिजिट क्या हो गई? V एंड X। मीन्स हम आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वी और एक्स से, क्योंकि आई का वैल्यू 1 एंड वी की वैल्यू 5, मीन्स ये हो गया इसका 1/5। एंड आई को अगर हम एक्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं इट मीन्स आई की वैल्यू 1 एंड एक्स की वैल्यू है 10, मीन्स ये इसका 1/10 हो गया। एंड अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ये 1/5 और 1/10 होता है तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मैंने बताया एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम एल एंड सी, टू हायर डिजिट से हम कर सकते हैं। तो देखो एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम एल एंड सी, तो देखो एक्स की वैल्यू 10 एंड वैल्यू ऑफ एल इज 50, तो 10 50 का कौन सा पार्ट हो गया? 1/5। एंड वैल्यू ऑफ सी इज 100, देन एक्स इज द 1/10 पार्ट ऑफ द सी, इसलिए हम इनको इनसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम डी एंड एम, और सी को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? डी और एम से, क्योंकि सी डी का 1/5 पार्ट है एंड सी एम का 1/10 पार्ट है। ये रूल्स आपको बहुत कम वीडियो में या फिर मैं कहूँ किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इस रूल को आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली इट मीन्स रोमन नंबर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हम सबसे ज्यादा मिस्टेक रोमन नंबर के रूल्स पढ़ने के बाद में भी इसी रूल्स को समझने में करते हैं। अगर ये रूल समझ लिया, 1/5 और 1/10 का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, इट मीन्स मिस्टेक का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि By these rules, हमने जो ऊपर rules पढ़े हैं, the Roman numerals IL for 49. तो अगर हमें 49 लिखना है, तो हम IL नहीं लिखेंगे, and IC for 99 do not work. ये work ही नहीं करेगा according to these rules. Because हमने क्या पढ़ा कि 1/5 या 1/10 larger part का होना चाहिए। अगर मैं IL पढ़ती हूँ या फिर मैं IC लिखती हूँ, it means ये क्या हो गया? 99 के अंदर जो हमने लिखा है आई सी, बिकॉज आई है इसकी वैल्यू है कितनी है 1 एंड सी की वैल्यू है 100, इट मीन्स ये 100 पार्ट हो गया इसको। जबकि
रूल्स के अकॉर्डिंग हम 1/5 और 1/10 पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये हो रहा है हमारा 100, मीन्स बहुत बड़ा हो जाता है, इससे डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इनमें, इसीलिए हम आई एल और आई सी नहीं लिखेंगे इस केस में। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब देखो 49, अगर हमने 49 लिखना है तो हम आई एल नहीं लिखेंगे, तो फिर हम 49 कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 40 की वैल्यू निकालनी होगी, मीन्स हमें इसको वंस टेंस में, तो हमें 40 हम कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 40 + 9, तो मीन्स 50 - 10 कितना हुआ 40, एंड 9 लिखना है हमें, तो 10 - 1 कितना हुआ 9, 40 + 9, तो हम इसको लिखेंगे XLIX, ये हमारा 49 लिखा जाएगा। एंड अगर हमें 99 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, IC तो हमने पता कराई था कि इसका 100th पार्ट हो गया, तो हमें 1/5 और 1/10 पार्ट का ही ध्यान रखना है, हमें इससे ऊपर की बड़ी ग्रेटर जो डिफरेंस आता है उसको हमें फॉलो नहीं करना होता अकॉर्डिंग टू रूल, तो हम कैसे लिखेंगे, तो वही हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 90 + 9, तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, XC means 100 - 10 = 90, and 9 हमें लिखना है, तो 10 - 1 हो गया हमारा 9, तो 90 + 9 99, means XCIX बन गया 99. Then let's turn to rule number 3, rule of addition. If the symbol of smaller value is placed after the symbol of greater value, the value of resulting numeral is equal to their sum. Means, अगर जो सिंबल है हमारा स्मॉलर वैल्यू का, अगर वो ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में है, ठीक है, उसके बाद में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उनको सम करेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल V means 5 and higher value है, उसके बाद में I लिखा हुआ है, means 1, तो 5 + 1 हम क्या करेंगे, इनका sum करेंगे, इनको total कर लेंगे, तो 5 + 1 = 6, same thing is here, XI means 10 + 1 = 11, means हमें greater value और smaller value को देखना है, तो greater value हो गई हमारी, बड़ी value क्या हो गई, X, X की value 10 और I की value 1, 2 टाइम आई है, इट मींस 1 + 1 हो गया 2, स्मॉलर वैल्यू कहाँ है, ग्रेटर वैल्यू के बाद में है, इट मींस हमें इनको ऐड करना है, इनका एडिशन होगा, तो 10 + 2 = 12, सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि स्मॉलर वैल्यू कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, और एडिशन में स्मॉलर वैल्यू होती है राइट साइड में, बस हमें यही ध्यान रखना है। आई रिपीट दिस रूल अगेन, If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of higher value, कि अगर symbol smaller value का higher value symbol के right side में है, then we add the smaller value to the greater value, तो हम smaller value को greater value के साथ add कर देते हैं, means XI, means 10 + 1 = 11, तो इस तरह से हमने rules पढ़े इसके। अब हम देखते हैं कि हम रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने लिस्ट है हिंदू अरेबिक एंड रोमन न्यूमेरल्स की। हिंदू अरेबिक रोमन न्यूमेरल्स मींस हमें 1 लिखना है तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 इज आई, हमें 2 लिखना है मींस 2 टाइम्स हमने आई लिखा, 3 ट्रिपल टाइम आई, बट अगर हमें 4 लिखना है तो हमने रूल ऑफ रिपीटेशन में पढ़ा था कि मोर देन 3 टाइम्स हम इनको सिंबल्स को रिपीट नहीं करते, देन We have to write IV. Rule of subtraction के according हमने rule of subtraction पढ़ा था, तो उसके according हमने पढ़ा था कि V से just पहले हम अगर I लगा देते तो 1 - 5 = 4 हो जाता है, और ये इसके भी हमें ध्यान रखना है कि 1/5 part है, 1/10 part है, तो उसको भी हम इसके साथ follow करते हैं। We know now the value of V is 5, तो हमें 5 लिखना है तो हम लिखेंगे only V. 6 हमें लिखना है तो V और I means 5 + I, rule of addition के according, तो 5 + I = 6, 7 लिखना है तो 5 + I + I means 5 + 1 + 1 तो 7, 8 लिखना हो तो VIII means 5 1 1 1 तो हो गया हमारा 8, then again
रूल ऑफ रिपीटेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों फॉलो करने होंगे। 9 हमें लिखना है तो हम 9 के लिए 4 टाइम आई का यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आई एक्स लिखेंगे। मीन्स हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू लगाएंगे। तो ये इसका 1/10 पार्ट है आई एक्स का, तो हमने क्या लिखा, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 9। एंड वी नो ना द सिंबल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10। हमें 11 लिखना है तो रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग 10 प्लस 1 एक्स आई, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। एक्स आई आई मीन्स 10 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 2 मीन्स 12। ये हमने रीड आउट कर लिया। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हमें उनको लिखना होता है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड के अकॉर्डिंग। अगर हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी गोइंग हो जाता है वो। तो अगर हमें 14 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, वैल्यू ऑफ 4 इज यहाँ आ गई एंड 10। तो 10 को हम लिखते हैं x और 4 की वैल्यू होती है iv, तो हमने इसको इस तरह से लिखा। अगर हमें 20 लिखना है तो मीन्स 2 टाइम x और x हमने लिखा तो बन गया हमारा डिजिट 20। राइट द गिवन नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। अब आपके लिए टास्क है, ये आपको करना है। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है 29, 77 और 15। अगर हमें इनको करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 29 को हम पहले 20 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 20 की वैल्यू लिखनी है तो 2 टाइम x, देन हमें 9 लिखना है तो i x। सेम ऐसे ही 77 हमें लिखना है तो 77 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें 70 की वैल्यू लिखनी होगी। तो 70 की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, l मीन्स 50 x प्लस 10 x प्लस 10, तो 50, 60 एंड 70। 70 तो हमने लिखा, प्लस हमें 7 लिखना है तो v i i, v की वैल्यू 5 प्लस 1 प्लस 1 हो गया हमारा 7, तो ये बन गया हमारा 77। और अगर हमें 15 लिखना है तो x v मींस 10 प्लस 5 15, ये हो गया हमारा 15। सेम ऐसे ही अगर हमें रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हो और इनको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में चेंज करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 टाइम x मींस 20 प्लस 5, तो 20 प्लस 5 बन गया हमारा 25। देन x x x i v, तो ट्रिपल टाइम x मींस 10 प्लस 10 प्लस 10 मींस 30 एंड i v बन गया 4, तो हो गया हमारा 34। सेम x x i, तो 10 प्लस 10 20 एंड i की वैल्यू 1 है तो हो गया 21। तो इस तरह से हम इजीली हमारे रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, रीड एंड राइट लार्जर रोमन न्यूमेरल्स। एग्जांपल है, व्हाट इज एम सी एम एक्स 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 आई इक्वल टू। हमारा जो रोमन नंबर है एम सी एम एक्स 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 आई किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है द वैल्यू ऑफ एम इज 1000 एंड वैल्यू ऑफ सी एम, सी एम का मींस एम हमारी हायर वैल्यू है, उसकी लेफ्ट साइड में सी लगा है। इट मींस हमें रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन याद रख के क्या करना है, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 हो गया 900, तो 1000 प्लस 900, देन उसके बाद में ट्रिपल टाइम एक्स, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, देन उसके बाद में है हमारा आई मीन्स 1, तो ये हो गया हमारा जो निकल के आता है 1000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 1931 डिजिट हमारा बन जाता है। अब हमें क्या करना है, हिंदू अरेबिक में हमें डिजिट दी है उसको हमें रोमन न्यूमेरल में चेंज करना है। हमारे पास डिजिट है 3870, तो इसको रोमन नंबर में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, 3000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 7। तो 3000 मींस 1000 की वैल्यू हमें रूल ऑफ रिपीटेशन के अकॉर्डिंग लिखना होगा 3 टाइम्स, क्योंकि हमने अगर 3 टाइम लिखा मींस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3000 प्लस 800 लिखना है
तो हमें 800 के लिए हमें लिखना होगा डी मीन्स 500, सी मीन्स 100 100 100, तो 5 + 300 800, देन 10 की वैल्यू वी नो x, एंड 7 लिखने के लिए VII, तो हमारे पास जो हमारा रोमन न्यूमरल बनेगा वो बनेगा MMMD ट्रिपल टाइम CXVII, इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1984 इक्वल्स टू, तो 1984 हमें लिखना है, तो वही हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1984। वी नो द वैल्यू ऑफ 1000 इज m, द वैल्यू ऑफ 900 इज, लिखने के लिए हम क्या करेंगे cm, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम c लेफ्ट में लिखेंगे, तो 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900, देन 80 l एंड ट्रिपल टाइम x, बन गया हमारा 80 and 4, तो हमारा ये बन जाएगा डिजिट 1984 इक्वल्स टू MCMLXXXIV। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट, अगर हमें लिखना हो MCMIX, तो इसको हिंदी अरेबिक में हम क्या लिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ m इज 1000 एंड cm मींस 1000 माइनस 100, तो बन गया हमारा 900 और IX means 9, तो 1909। इस तरह से हमने ये पढ़े। अब हमने ये तो पढ़ लिए, तो अभी तक जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उससे हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट 3999 तक की वैल्यू हम लिख सकते हैं। बट अगर हमें उससे ज्यादा का लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू m तक थी, मीन्स 1000, m की वैल्यू 1000 थी, 1000 को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो हम ट्रिपल टाइम m लिख सकते हैं, उसके बाद में आगे जो स्मॉलर वैल्यूज के सिंबल है उनको यूज करके हम आगे लिख सकते हैं। बट उससे आगे का रोमन नंबर लिखना हो तो उससे आगे का अगर रोमन नंबर लिखना हो तो हम यूज करते हैं बार्स को, मीन्स हम जो सिंबल है उनके ऊपर बार्स का यूज करते हैं, एंड 1 bar मीन्स इक्वल्स टू 1000, वी के ऊपर बार लगी है, इट मीन्स V को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया इट मींस V बार की वैल्यू हो गई 5000। सेम थिंग इज नेक्स्ट सिंबल X, द वैल्यू ऑफ X इज 10, 10 के ऊपर बार इट मींस हम 10 को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10000। सेम ऐसे ही L बार मींस 50 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50000। इसी तरह C बार, D बार, M बार, मीन्स अगर हम बार लगा देते हैं तो उनकी वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट रोमन नंबर बना सकते हैं। लाइक V बार, इट मीन्स वैल्यू V इज 5 एंड बार मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000, देन 5 into 1000 इक्वल्स टू 5000। अगर यहाँ पर V के ऊपर 2 टाइम्स बार लगी हो तो इट मीन्स हमें इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो V को हमने अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 5000, एंड V को हमने अगेन 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा अगर 2 टाइम बार लगी है, तो वो हो जाएगा हमारा 50 lakh। जितनी बार हमें यूज करनी है हम यूज कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर जैसे आपके सामने स्क्रीन पे था कि यहाँ 11 के ऊपर 2 टाइम बार लगी है, इट मीन्स हमें 2 टाइम इसको 1000 से, पहले 11 को 1000 से, फिर अगेन जो हमारा आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसको अगेन हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा अभी कि V को हमने 1000 से किया था सिंगल टाइम, तो हमारा 5000 हुआ था, और V को हमें ऊपर 2 बार लगी हुई है तो हमने इसको किया तो हमारा 50 लाख आ गया था। अब व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 4000, अब 4000 का रोमन नंबर क्या होगा, क्योंकि लास्ट हमने जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग तो 3999 हाईएस्ट था। अब हमें बार सिस्टम पता चल गया तो हम इससे आगे के नंबर बना सकते हैं, इट मीन्स हमें अगर 4000 लिखना है तो हम उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू राइट 4000 इन रोमन नंबर सिस्टम, मीन्स आई वी मीन्स 4 के ऊपर सिंगल टाइम बार है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद 1000,
तो 4 into 1000 4000। फर्स्ट तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। हम क्या करेंगे, वी बार से जस्ट पहले एम लगा देंगे, क्योंकि अब पहले तो एम हायर वैल्यू था, लेकिन वी बार का मतलब क्या हो गया, 5000 हो गया। अब वी बार से स्मॉलर वैल्यू हो गई 1000, तो हम इसको लेफ्ट में लगा देते हैं, तो 1000 - 5000 तो कितना हो गया 4000। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 4000 को हम दो तरीकों से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था, तो इनकी वैल्यूज एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि i की वैल्यू 1 होती है, द वैल्यू ऑफ v इज 5, वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ l इज 50, वैल्यू ऑफ c इज 100, वैल्यू ऑफ d इज 500 एंड वैल्यू ऑफ m इज 1000। ये हमने पढ़ा, और इनसे हम कितना हाईएस्ट कितना डिजिट बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 3999 तक का डिजिट हम चेंज कर सकते हैं हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमेरल सिस्टम में। बट अगर हमें इससे ज्यादा का करना हो तो हमें रिक्वायरमेंट होगी फिर दूसरे सिंबल्स की, तो उसके लिए हमें अलग से सिंबल लर्न करने ही नहीं है, सेम यही रहेंगे, सिर्फ बार सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे V बार, X बार, L बार, C बार, D बार, M बार। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की कि मैंने यहाँ पर I बार नहीं लिखा। I बार क्यों नहीं लिखा? I बार यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज I के ऊपर बार लगाना मीन्स I की वैल्यू 1, 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 1000। 1000 हमारे पास ऑलरेडी है M सिंबल, इसलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है I बार की। तो द वैल्यू ऑफ V बार इज 5000, द वैल्यू ऑफ X बार इज 10000। इसी तरह से इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्टिव जो रूल था, तो हमने क्या पढ़ा था, वी कैन सब्ट्रैक्ट अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग 1/10 or 100 फ्रॉम द नेक्स्ट टू हायर सिंबल से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हमें 4 लिखना है तो हम 4 लिखेंगे आई वी, ना कि हम 4 टाइम आई लिखेंगे, ठीक है। देन हमें अगर लिखना है 9 तो हम आई एक्स लिखेंगे, क्योंकि 4 टाइम हम आई को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक्स एल लिखना है तो मींस हो जाएगा 40, तो हम इस तरह से 40 नहीं लिखेंगे, 4 टाइम एक्स नहीं लिखेंगे, रूल ऑफ रिपीटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें 90 लिखना है तो हम एक्स ही लिखेंगे इंस्टेड ऑफ एल एक्स एक्स एक्स, बिकॉज हम 4 टाइम एक्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। सेम अगर हमें 400 लिखना हो तो 400 के लिए हम सीधे लिखेंगे इंस्टेड ऑफ सी 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 सी, क्योंकि हम इसको भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो यहाँ हम देख रहे हैं वो है कि हम ऊपर सिंगल बार का मतलब 1000, टू टाइम बार का मतलब हमें अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हम बार जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं, उतनी यूज कर सकते हैं, 3 times, 4 times, 5 times, हमारे जितना बड़ा डिजिट हमें बनाना है उतनी बड़ी डिजिट हम बना सकते हैं। किसका यूज करते हुए, बार्स को यूज करते हुए हम उस डिजिट को बड़ा बना सकते हैं। बस हमें याद रखना है उनकी ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू के अकॉर्डिंग कि हमें डिजिट क्या फ्रेम करना है। अब हम रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या स्टडी किया। तो देखो रोमन सिंबल्स के अंदर आई एक्स सी एम जो है उनको हम मोर देन 3 times रिपीट नहीं कर सकते हैं। When we have Roman numeral with the same numeral repeated, we add them for finding their Hindu Arabic equivalent. हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम repeat करते हैं, अगर 2 times repeat किया तो उसकी value 2 से multiply हो जाएगी, 3 times repeat किया है तो 3 times. जो Roman symbol V, L और D हैं, वो repeat नहीं होते हैं कभी भी। If a Roman symbol of a smaller value is placed before another symbol of greater value, then the value of resulting numeral is equal to their difference. Means, अगर रोमन सिंबल जो कि स्मॉलर वैल्यू का है वो ग्रेटर वैल्यू सिंबल से जस्ट पहले ही आ जाता है तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, मीन्स हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रीड आउट किया था इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के रूल के अंदर, वो हमने स्टडी किया था कि हमें ध्यान रखना है कि हम केवल एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन ओनली सब्ट्रैक्ट वन नंबर। देन हमने स्टडी किया था द स्मॉलर
सब्ट्रैक्टेड लेटर मस्ट बी इधर 1/5 और 1/10 द लार्जर वन, कि जो स्मॉलर नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो लार्जर नंबर का या तो 1/5 पार्ट होना चाहिए या फिर 1/10 पार्ट होना चाहिए. देन यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट अ पावर ऑफ 10 एंड ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट टू हायर डिजिट, कि हम ओनली जो पावर है 10 की या फिर उनकी जो नेक्स्ट टू हायर डिजिट है उन्हीं से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कौन कौन से डिजिट, कौन कौन से सिंबल, IVXLCDM. इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हम I को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली फ्रॉम V और X से, क्योंकि ये V का 5th पार्ट होगा और X का 10th पार्ट होगा. तो हम I को इन्हीं दो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हीं दो सिंबल से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. हर सिंबल किन्हीं दो सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है. देन अगेन X और V को तो हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं. देन अगेन X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, क्योंकि X L का 1/5 पार्ट है एंड C का 1/10 पार्ट है. देन C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M, सिर्फ D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये, बिकॉज़ C M का 1/5 पार्ट है एंड M का 1/10 पार्ट है. ये हमने यहाँ पे पढ़ा. देन हमने ये देखा कि अगर हमें लिखना है 49 लिखना है तो हम आई एल नहीं लिखेंगे, और अगर हमें 99 लिखना है तो हम आई सी नहीं लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ये रॉन्ग होगा. तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रूल्स फॉलो करने होंगे. तो अगर हमें 99 लिखना है तो हम आई सी नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये 1/5 और 1/10 पार्ट ना होके 100th पार्ट है C का, इसीलिए हम IC नहीं लिखेंगे. सिंबल V, L एंड D जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं, मींस उनका यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करते हैं. व्हेन द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, अगर स्मॉलर वैल्यू सिंबल ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद में आता है, इट मींस हम उनका सम करते हैं.